नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उदयपुर अहमदाबाद रूट गुजरात और राजस्थान को जोड़ेगा ही, साथ ही दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण रूट भी साबित हो सकता है। आने वाले समय में इसका उद्घाटन होने की पूरी संभावनाएं नज़र आ रही है, जिसको देखते हुए रेलवे बोर्ड के द्वारा इस रूट पर चलने वाली 4 ट्रेनों के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दे दी गई है। कल हमने आपको इस बाबत जानकारी दी थी, जिसमें उदयपुर असारवा के बीच में 2 ट्रेनें, जयपुर असारवा के बीच में 1 ट्रेन और एक जो डूंगरपुर से असारवा के बीच डेमू गाड़ी चलती है उसका विस्तार उदयपुर तक करने को स्वीकृति प्रदान कर दी है, तथा टाइम टेबल भी इसका फाइनलाइज कर दिया गया है। आज इसका टाइम टेबल सामने आया है, जिसमें उदयपुर से असारवा एक्सप्रेस को सुपरफास्ट के रूप में और जो बाकी की 2 गाड़ियाँ हैं उसमें से उदयपुर असारवा जो दूसरी ट्रेन है वह एक्सप्रेस के रूप में और जयपुर असारवा गाड़ी सुपरफास्ट के रूप में चलाए जाने संबंधित परिपत्र सामने आया है। सुपरफास्ट उदयपुर असारवा गाड़ी का रेक शेयरिंग इंदौर उदयपुर गाड़ी के साथ में रहना संभावित है, यानी कि जो लोग इंदौर से उदयपुर आएंगे वे लोग करीब 1.25 घंटे के बाद उसी गाड़ी से असारवा की ओर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अलग से टिकट लेना होगा। और जो लोग शाम के समय असारवा से वापस उदयपुर आएंगे वे लोग यदि इंदौर जाना चाहें तो उन्हें इंदौर के लिए जाने हेतु अलग से टिकट लेना होगा। तो यह महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी, एक अतिरिक्त कनेक्टिविटी अहमदाबाद असारवा से इंदौर सहित नीमच, चित्तौड़गढ़, रतलाम के लोगों को मिलने वाली है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए वर्तमान में बस और सड़क मार्ग से यात्रा करना पड़ती थी, जिसमें उन्हें काफ़ी अधिक किराया भी चुकाना पड़ता था। तो अब आने वाले समय में जब यह रेल मार्ग खुल जाएगा तो उस स्थिति में कम किराए में वे लोग अपनी रेल यात्रा कर पाएंगे। साथ ही जो समय सारणी सामने आई है उसमें उदयपुर असारवा के बीच सुपरफास्ट गाड़ी का संचालन किया जाना है, वह 20963 नंबर से चलेगी। उदयपुर से सुबह 5:30 बजे के करीब रवाना होकर असारवा सुबह 10:55 पर पहुंच जाएगी, तथा वापसी में 20964 असारवा उदयपुर गाड़ी बनकर असारवा से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर उदयपुर रात 8 बजे पहुँच जाएगी, तथा इसके स्टॉपेज दोनों दिशाओं में उमरा, जावर, जयसमंद रोड, सेमरी, रिखबदेव रोड, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा, शामलाजी रोड, हिम्मतनगर, प्रांतिज, तालोद, नांदोल, देहगाम, नरोडा और सरदारग्राम रहेंगे, तथा इसमें कुल 22 कोच रहने वाले हैं। सिलार 4 जनरल, 8 स्लीपर, 5 एसी थर्ड, 2 एसी सेकंड और 1 फर्स्ट एसी सहित यह कोचेस रहेंगे। वहीं जो दूसरी गाड़ी है 19703-704 उदयपुर असारवा एक्सप्रेस गाड़ी, यह गाड़ी उदयपुर से शाम को 5 बजे रवाना होगी, असारवा रात 11 बजे पहुँचेगी, तथा वापसी में असारवा से यह सुबह 6:30 बजे रवाना होकर उदयपुर दोपहर 12:30 बजे पहुँच जाएगी। यह गाड़ी भी रोजाना चलाई जाएगी, तथा इसके भी लगभग वही स्टॉपेज हैं जो सुपरफास्ट उदयपुर असारवा गाड़ी के रहेंगे। 4 जनरल, 1 एसी 3 टीयर और 2 एसी चेयर कार, 3 स्लीपर सहित कुल 12 कोचेस रहेंगे। वहीं जो अन्य गाड़ी है जयपुर असारवा सुपरफास्ट गाड़ी, वह 12981-12982 नंबर के साथ में चलाई जाएगी। जयपुर से इसका चलने का समय रहेगा शाम को 7:30 बजे, जो कि असारवा सुबह 8:45 पर पहुंच जाएगी, तथा असारवा से यह गाड़ी शाम को 6:45 पर रवाना होकर जयपुर सुबह 7:45 पर अगले दिन पहुंच जाएगी। और जयपुर असारवा सुपरफास्ट गाड़ी में 2 SLR, 2 जनरल, 4 AC 3 टीयर, 1 AC 2 टीयर, 1 फर्स्ट AC, 4 कोच सहित 16 कोच रहने वाले हैं। जयपुर असारवा गाड़ी के स्टॉपेज फुलेरा जंक्शन, किशनगढ़, अजमेर, नशीराबाद, भीलवाड़ा, चंदेरिया, मावली जंक्शन, राणा प्रताप नगर, उदयपुर, जावर, डूंगरपुर, शामलाजी रोड, हिम्मतनगर, नांदोल, देहगाम, सरदारग्राम रहने वाले हैं। और जो डेमू गाड़ी है वह लगभग सभी स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए चलेगी, इसकी भी समय सारणी आने वाले समय में सामने आएगी। तो कुल मिलाकर यह काफ़ी अच्छे टाइम टेबल उत्तर पश्चिम रेलवे के द्वारा बनाए गए हैं, जिसका सेक्शन के खुलने के बाद संचालन होगा, तथा जल्दी ही इसके बारे में सूचना आने की कोई उम्मीद। प्रारंभिक तौर पर इन्हीं 4 ट्रेनों के साथ में सेक्शन की शुरुआत की जा सकती है। आने वाले समय में और भी ट्रेनों की संख्या इस रूट पर बढ़ेगी, लेकिन उसके लिए अधिकृत जानकारी का इंतजार करना सबसे बेहतर विकल्प रहेगा। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।